बहराइच के रुपईडीहा थाना की बैठक में नहीं पहुंचे प्रधानगण। आगामी ईद उल अजहा त्योहार के मद्देनजर स्थानीय थाना रुपईडीहा प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, लेकिन ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक नवाबगंज हरीश चंद्र वर्मा के आह्वान पर ग्राम प्रधानों ने बैठक का बहिष्कार किया। संघ के आह्वान पर ग्राम प्रधानों ने बैठक में भाग नहीं लिया। वर्मा ने बताया कि विगत दिनों गौकशी की हुई घटना का ग्राम प्रधान संघ घोर निंदा करता है। उक्त घटना में ग्राम रंजीत बोझा के प्रधान प्रतिनिधि काले रायनी को चुनावी माहौल चलते फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने को लेकर यह बहिष्कार किया गया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपराध निरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने कहा, कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक रूप से कुर्बानी व नमाजें अदा नहीं की जा सकेंगी। बैठक में धर्म गुरुओं समेत क्षेत्र के जिम्मेदार सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति रही। वही बैठक में प्रधानों के न पहुंचने पर खाली दिखी कुर्सियां। जी प्रधान जी, आज इस कमेटी की बैठक है, आप सभी लोगों को बुलाया गया है। जी, सुना है कि प्रधान संघ बहिष्कार कर रहा है, इसका क्या कारण? नहीं, कारण ये है कि अभी परसों हमारे रुपड़िया थाना क्षेत्र में रंजितवा में गौकशी हुआ है। उस गौकशी हुए कांड की तो हमारी प्रधान की तरफ से, प्रधान संघ की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जो उसमें जो भी दोषी हैं, दोषी पकड़े गए हैं, दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, हम लोग उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो दोष हमारे प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर मढ़ा गया, हमारे प्रधान प्रतिनिधि ने खड़े होकर के सभी सहयोग किया, सहयोग के साथ पुलिस से कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। सभी मुलजिम जो नेपाल भाग गए थे उनको भी उन्होंने गिरफ्तार करवाया, और इसके बाद में उस गौकशी में पूरी तरीके से हमारे प्रधान को शामिल कर दिया गया। केवल इसलिए शामिल किया गया कि चूँकि चुनाव का माहौल है और वर्तमान में हर गांव में पक्ष और विपक्ष मौजूद है। केवल विपक्ष के फ़ोन करने पर कप्तान साहब को फ़ोन कर दिया गया, और उस फोन करने पर हमारे प्रधान प्रतिनिधि को फंसाया गया है। हम उसकी निंदा करते हैं, और इसी वजह से हम उस बैठक का बहिष्कार करते हैं कि अगर कोई कप्तान को फ़ोन कर दे और कप्तान के कहने पर प्रधान को अगर हमारे फंसा दिया जाता है, हम उसका विरोध करते हैं, उसकी जांच करते हैं। अगर मेरा प्रधान हमारा प्रधान दोषी होता, अगर हमारे प्रधान ने किसी जो दोषी हैं गौकशी में अगर उसमें किसी को उन्होंने संरक्षण दिया होता, तो अगर हमारे प्रधान को फंसाते तो भी हम लोग उसका बहिष्कार नहीं करते। बेकसूर हमारे प्रधान प्रतिनिधि को फंसाया गया, इसलिए हम आज प्रधान संघ थाने के किसी भी